भाई अब जैसे हम गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं अपने दोस्तों के साथ। ये हमारा आजय भाई, ये अवेश भाई, फिर समीर भाई। अब हम जो है ना अपने क्लास की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर चल के मिलते हैं आपसे। थोड़ा सा इशू हो गया, वो तो हो जाता है मिस आपके थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा सा वेट करें, अभी इंटरनेट चल जाएगा, तो फिर ये हम लोग और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट ये कि आप लोगों ने कितने चैलेंजेस किए हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि 100 डेज चैलेंज करके आ रहे हैं आप लोगों ने, मतलब मैक्सिमम करने। तो अब मैं जो है नंबर्स काउंट करूंगी, तो आप लोग मुझे हैंड से बताएगा, ठीक है, किसने कितने डेज चैलेंज कर लिए। 5 डेज किसने कर लिए हैंड से, क्या मुझे बता सकते हैं आप लोग? 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 25, 30 डेज, 30 डेज किसने कर लिया अब तक? अच्छा, और एक वन हैंड रेज है, और 2, 3, 30 डेज कर लिया आप लोगों ने। मैंने 100 कर लिए पूरे। अच्छा ठीक है, 30 के बाद 35, 100 तो अभी तक दिन ही नहीं हुए, ठीक है। 35 के बाद 40 डेज, 35 डेज में कर लिए आप लोगों ने, 40 तक कर लिए, 50 कर लिए, ठीक है। अच्छा देखिए, जहाँ तक मैं देखी ऑन एन एवरेज जो है 35-30 तक कर लिए लोगों ने यहाँ पे ना। तो अभी तक आप लोगों को क्या डिफरेंस महसूस हुआ अपने अंदर, जो आपने 35 डेज चैलेंजेस किए हैं उसमें आपको अपने अंदर क्या एक चेंज महसूस हुआ? फीमेल्स, क्या चेंज महसूस हुआ आप लोगों को? जिंदगी वैसी ही है, क्या कोडिंग अच्छी हो गई आपकी? और क्या, सॉरी दोबारा बोलिएगा, एरर रिजॉल्व आ गए, ओके गुड, ये मैं सोच रही, ट्रबल शूटिंग अच्छी हुई आप लोगों की, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या आपने चेंज महसूस किया अपने अंदर? जी वॉइस आप बताइए, आप लोगों को क्या चेंज महसूस हुआ अपने अंदर आफ्टर डूइंग चैलेंजेस जो कितने दिन के भी किए आप लोगों ने? क्या हुआ? चीता महसूस हुआ है, दुम वाला, बगैर दुम वाला, बगैर दुम वाला, ठीक है। अच्छा पूरा नहीं हुआ, मेकिंग कंप्लीट स्टेज पे चल रहे हैं अभी आप, ठीक है। और आप लोगों क्या चेंज महसूस हुआ अपने अंदर बताइए जल्दी जल्दी, क्या हुआ? खा के नहीं आया कुछ क्या? नहीं मैम। अच्छा बिरयानी नहीं मिलेगी तो खाना ही नहीं खाएंगे, ये पीछे बोल रहे हैं कोडिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है। कोडिंग क्या हुआ? कोडिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है, कोडिंग कोडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट, कोडिंग चाहिए आपको? हाँ गर्मी है ना मैडम। अच्छा ठीक है, कोडिंग में, हाँ बिल्कुल। देखिए बेसिकली जो चैलेंजेस है इसका मकसद ये था कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंस महसूस हो। देखिए ह्यूमन नेचर क्या होती है, जब आप एक छोटी सी अचीवमेंट हासिल करते हैं ना, बेशक वो बहुत थोड़ी अचीवमेंट क्यों ना हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत बूस्ट हो जाता है। आपको लगता है ठीक है, अगर मैंने ये चीज अचीव कर ली तो मैं आगे वाली चीज भी अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इन चैलेंजेस को रखने का मकसद ही यही था कि आप लोग अपने अंदर एक प्रो महसूस करें अपने आप को, आप लोगों को लगे कि ठीक है हम भी काम कर सकते हैं, ये काम बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 1 डे चैलेंज कर लिया तो आप एक दिन 100 डे चैलेंज भी कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। डॉलर वाली बात करें, डॉलर्स कब आएंगे ये बताओ पहले, ठीक है। अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ, जरा एक सेकेंड, सब स्टेप्स हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ, इस तरह के भी स्टेप्स हैं, ठीक है। तो सारे स्टेप जो है वो आपके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आज जो हम क्लास में कवर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं स्टेप 3A, जो कि है मॉड्यूल्स का, ठीक है। तो मॉड्यूल्स
आप लोगों को आइडिया है कि किस तरह काम करते हैं मॉड्यूल्स? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, आप इसे पूछते हैं, ठीक है, मॉड्यूल के साथ जो हम चीज सीखेंगे वो हम सीखेंगे के जो है इम्पोर्ट इंक्वायरर कैसे होगा? टॉप कैसे होती है? ठीक है, तो आपको कैसे इम्पोर्ट के जाते हैं, वैसे तो आता होगा आप लोगों को चीजें, लेकिन एक दफा और गो थ्रू भी कर लेंगे तो ये कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा हम जो स्टेप नंबर 6 को कवर करेंगे जो कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। ठीक है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग के अलावा जो हम कवर करेंगे, इनम आप लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, अगर हमें टाइम सेव होता है हमारा इसके बाद तो हम फिर इनम करेंगे, कौन सी इनम करेंगे आज की तारीख में, तो ये तीन स्टेप जो हमारे कवर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 7 बता रहे हैं उसे दिए कि इसके बाद घर जाकर प्रैक्टिस करनी, और आज सेकंड एक्टिविटी में जो है हम लोग जो मॉड्यूल पढ़ेंगे साथ में उसे क्विज भी हम लोग करेंगे। ठीक है, उसे क्विज भी साथ में होगा, वो क्विज का पैटर्न किस तरीके से होगा, किस तरह करना है वो हम ब्रेक में इंशाल्लाह ताला उसको जो है क्विज को करेंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो एक आध सेकेंड और रुक जाए, लोग आ रहे हैं रिवीजन। मॉड्यूल्स क्या होते हैं मुझे एक आसान फॉर्म में कौन बताएगा मॉड्यूल्स की डेफिनेशन, ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जी बताइए। मॉड्यूल्स वही होते हैं जिनपे पोर्ट पे आते हैं और पोर्ट पे आते हैं, इसे अलग मॉड्यूल्स बना के app.ts और student.ts बना के अलग मॉड्यूल्स बना लिए, इसमें हमने अलग प्रोजेक्ट बनाए उनको इम्पोर्ट करा लिया आपके पास। ठीक है, जो वर्ड वहाँ पे किया वो वहीं पे अप्लाई होगा। ठीक है, और आप बताइए, आप थोड़ा लाउड बताइए ताकि एवरीवन प्लीज आप सुन लीजिए, आप लोग जवाब भी दें, एटलीस्ट सुने जवाब दे रहे हैं। जी, हम बेसिकली कोड को रीयूजेबिलिटी को मजीद एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, कि हम एक अलग फाइल के अंदर फंक्शंस क्लासेस उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा माइक खड़ा हो जाएंगे, माइक शायद मिल जाएगा। चले आप बैठेंगे, प्लीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, लेकिन स्पेसिफिक मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो हमें थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, समहाउ राइट आंसर। जी अच्छा, बेसिकली हम जो है कोड की रीयूजेबिलिटी को मजीद इसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं, मजीद इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर, तो हमारी एक अलग फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हम फंक्शंस क्लासेस उनको वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जिस जगह पे भी हमें यूज करना हो वहां पे हम इसमें इम्पोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई आप लोगों को? थोड़ा आवाज आई, समझ आई थोड़ी सी? ठीक है, और कौन बताएगा? जी बताओ बेटा। गुड, और कोई बताना चाहते हैं? हाँ बताइए, वहाँ जो लास्ट से हैंड रेज हुआ था। हाँ आप बताइए, फिर आपकी बारी है, पहले आप बताइए। आई होप आप सही बता रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही पर आपकी, तो लाउड बता बोलेंगे। माइक चाहिए इसको। सही है, जबरदस्त, मुझे आएगा बस। सही है जी, आप बताइए। माइक इधर उधर। अस्सलाम वालेकुम। मॉड्यूल ये होते हैं कि किसी का लिखा लिखा कोड होता है, कोई अपना कोड लिख के ना पब्लिश कर देता है, अभी हम उसको यूज करके और अच्छी कोई चीज़ बनाना चाहते हैं। जैसे अभी रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, साइकिल का, किसी ने टायर्स वगैरह बना के रख दिए, अभी मुझे साइकिल बनानी तो मैं बकाया चीज़ें बना लूँगा और टायर उसका यूज कर लूँगा, वो चीज़ इम्पोर्ट करा के उसको यूज कर लूँगा। अच्छा
ये बेसिकली रीयूजेबिलिटी के अंदर आता है ये पार्ट ना, जैसे उन्होंने कहा रीयूज हो सकता है कोड को, कोड को रीयूज कर सकता हूँ। इस तरह आपने मेरे को ठीक बोला कि जैसे कि एप्लीकेशन है, मैं आपको आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करूंगी जब अभी हम आगे टॉपिक होंगे। आपने मतलब सही बोला है, लेकिन ऐसा नहीं कि मॉड्यूल का काम ये है कि हम किसी और का कोड उठा के उसको कस्टमाइज कर लें। इन्होंने मिसाल दी है वो अपना जो हम इन्होंने मिसाल दी है कि हम फाइल दूसरी जो अपने डिपेंडेंसी करते हैं ना, रीयूजेबिलिटी है। सही बोला आपने, सही बोल कि वो रीयूजेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि मॉड्यूल्स का क्या सीन है, मॉड्यूल्स किस तरह काम करता है। ठीक है, तो मॉड्यूल जो है प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्यों होता है, क्योंकि ये तीन से चार चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। पहला काम भी करता है कोड को ऑर्गेनाइज करता है आपके। मॉड्यूल सबसे पहले क्या करता है आपके कोड को ऑर्गेनाइज, सब मिलके बोले क्या करता है कोड को ऑर्गेनाइज, कोड को ऑर्गेनाइज करता है और रीयूज करता है कोड को आपके, क्या करता है रीयूज, रीयूज करता है। इसके अलावा मेंटेन करता है, मेंटेन क्या करता है मेंटेन करता है, मेंटेन करता है, यानी कोड को ऑर्गेनाइज करता है, रीयूज करता है, मेंटेन करता है। ये जो है ना मेन पर्पस है इसका, कि ये जो है मेन काम है इसका, ये तीन काम ये है जो ये करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल्स की, तो बहुत सारी चीजें हैं जो टाइपस्क्रिप्ट में काम करती है, जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें जो काम नहीं करती जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, लेकिन जो मॉड्यूल्स हैं वो टाइपस्क्रिप्ट में भी काम करते हैं। ठीक है, और उनका पर्पस क्या होता है वो हम पता चल गया कि इनका पर्पस ये होता है कि कोड को ऑर्गेनाइज करें, कोड को मेंटेन करें और कोड को रीयूजेबिलिटी की तरफ लेके जाए कि मैं उस कोड को बार बार यूज कर सकूं। अब कोड को रीयूज क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे ना एक लिस्ट ऑफ फाइल्स बनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास बहुत सारे फाइल्स बनी है, मेन डॉट टी एस बना हुआ है, मेरे पास मॉड्यूल डॉट टी एस बना हुआ है, मेरे पास कास्टिंग डॉट टी एस बना हुआ है, ये सारे जो है ना मेरे पास बने हुए फाइल्स बनी हुई सारी। ठीक है, टाइप्स में फाइल्स बनी हुई है। अब होता कुछ इस तरीके से है कि जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं अपने पास, ठीक है, तो एप्लीकेशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। बेसिक हमारा काम क्या, एप्लीकेशन बनाने का है ना हमारा, वेबसाइट डेवलप करना, वेबसाइट डिजाइन करना, उसके अंदर एआई की इंटीग्रेशन करवाना, यही हमारा मकसद है, यही हम पढ़ रहे हैं और यही हमें करना है इस कोर्स को पढ़ने के बाद। तो अगर आपको आप एक वेबसाइट को देखें तो बहुत सारे पार्ट डिवाइड होती है वेबसाइट, जैसे कि आपका नेव बार, नेव बार बताएगा आपको क्या होता है, जो आपका हेडर होता है वो आपका नेव बार होता है। ठीक है, नेव बार हो गया, आपका फुटर हो गया, आपका कंटेंट हो गया, आपके इमेजेस हो गए, आपके जो है और बहुत सारी लाइब्रेरीज हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, जिसमें मॉड्यूल्स का रोल इस तरह होता है कि वो सब कंपोनेंट्स कहलाते हैं आपके ना। जब आप इन सब चीजों को अगर नॉर्मली देखें तो कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सारे कंपोनेंट्स को जो है ना इकट्ठा किया जाता है किसी एक मेन कंपोनेंट के अंदर, यानी एक मेन फाइल के अंदर। ठीक है, तो इसका काम ये होता है। अब ये देखिए इतनी सारी फाइल्स है ना, किसी एक मेन फाइल में जाके सब कनेक्ट हो रही होती है। कनेक्ट होने का जरिया क्या होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, अब जैसे कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा जिस हम उसको अगर रियल लाइफ में देखें, हमारे पास इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या काम होता है कि जहाँ पे जिस कंट्री में जो चीज़ नहीं है वहाँ भेजें और वो रिसीव करें, और हमें जिन चीज़ की जरूरत है वहाँ हम उसको इम्पोर्ट करवाएं अपने पास और हम उसको यूज़ करें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत सारी फाइल्स हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन फाइल्स को हम क्या करते हैं किसी एक मेन फाइल में जाके हम उसे इम्पोर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ मल्टीपल फाइल बना सकते हैं, 8, 10, 15 फाइल बना सकते हैं, फाइल्स को कहते हैं कॉम्पोनेंट्स, आप कॉम्पोनेंट बना सकते हैं। अब बात है रीयूजेबिलिटी की, तो रीयूज कैसे कर सकते हैं हम बोलेंगे यार हमारा एक बार तो एक ही है तो उनको रीयूज कैसे कर सकते हैं। अब आप देखिए जब आप एप्लीकेशन कोई भी चला दराज की एप्लीकेशन देखें या कोई भी फूड पार्लर की एप्लीकेशन देखें, तो जो उसका हेडर होता है वो हमेशा ऊपर रहता है आपके पास, वो हमेशा सामने रहता है, पेजेस चेंज होते रहते हैं आपके, न्यू विंडोज खुलती रहती है, लेकिन जो हेडर है वो कॉन्स्टेंट सामने रहता है। तो ऐसा नहीं कि वो सामने रहता है, उसको सामने रखना पड़ता है हमको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो हेडर कॉम्पोनेंट होता है ना हमारे पास, वो हम हर जगह इम्पोर्ट करवा देते हैं, यानी कि हर फाइल उस कॉम्पोनेंट को हम इम्पोर्ट कर देते हैं, तो वो हर फाइल जो उसको अपना पार्ट बना लेती है, यानी जितने भी कॉम्पोनेंट है सब उसको अपना पार्ट बना लेते हैं, और फिर हर एक के पेजेस पे वो चल रहा होता है आपका हेडर। तो इस तरह आपको कोड क्या होगा, रीयूज हो गया। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दी साइकिल की, कि हम लोग जो है किसी बने बनाए चीज को भी यूज करते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपको काम एप्लीकेशन डेवलप करना, ठीक है, अब आपने उबर की एप्लीकेशन डेवलप की, मतलब वेबसाइट बनाई उबर की, तो आपके पास उसका पूरा डाटा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने एक नई वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अब हेडर तो ऑलरेडी बना हुआ है ना आपके पास, आपको क्या करना है, थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज किस सेंस में करना है, कि आपको जो है उसके अंदर उसका लोगो चेंज करना होगा, उसकी थीम चेंज करनी होगी, उसका कलर चेंज करना होगा, उसका राइटिंग चेंज करनी होगी, ये चीजें चेंज करेंगे ना उसके अंदर, लेकिन बाकी तो पूरा कोड सेम रहेगा आपका। ये थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि जी इसके अंदर अगर इस कंपोनेंट के अंदर ये चीज यू हुई, जैसे होम है, गैलरी है, और आपके पास क्या चीज होती है, कॉन्टैक्ट है, सर्विसेस है, तो उसमें एक दो आप हेड और एड कर सकते हैं।
तो लेकिन जो 100% मेहनत है वो तो करनी नहीं पड़ी ना आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रीयूज हो सकता है, यानी इस कॉम्पोनेंट को उठा के हम कहीं और भी डाल सकते हैं अपने पास। और यहाँ पे एक फीमेल ने बताया था कि हम पीसेस में कर लेते हैं अपने कोड को। पीसेस का मतलब क्या होता है? पीसेस का मतलब ये होता है चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं उसको। देखिए एक होता है क्लस्टर। अब मैं आपको एग्जाम्पल में क्लस्टर किस तरह होता है, जैसे अंगूर को देखा आपने, अंगूर का पूरा गुच्छा होता है तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर, यानी उसमें मल्टीपल ग्रेप्स उसके अंदर साथ लगे हैं तो एक पूरा क्लस्टर है ग्रेप्स का। आप एक उठाते हैं तो बहुत सारे साथ उठ जाते हैं आपके, लेकिन उसी को अगर हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के तीन तीन चार तोड़ के सब डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हमने क्या किया उस क्लस्टर को चंक्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से हम अपने कोड को क्या कर रहे होते हैं, जब आप नेक्स्ट जीएस में इंशाल्लाह जाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो अब आप जब एक फाइल क्रिएट करेंगे ना अपनी नेक्स्ट जीएस की, तो आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे जो ये आपको नजर आ रहा है फाइल बार जो नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होंगी आपके। फाइल्स मतलब मल्टीपल फाइल्स के साथ मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स क्रिएट होंगे आपके, तो उनको फिर आपने क्या करना होगा, मैनेज करना होगा, मेंटेन करना होगा। कैसे मेंटेन करना होगा, अभी आप देखें कितने अजीब तरीके से पड़ेगी सारी फाइल्स मेरी, उसमें ये होगा आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी। अब जैसे कि हमने पढ़ा नहीं है इस बारे में, लेकिन हम आगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे, जैसे अभी जीएस की फाइल है ठीक है, हम क्या करेंगे एक डिस्क का हम बनाएंगे फोल्डर, डिस्क का फोल्डर बनाएंगे जितनी भी हमारी जीएस की फाइल है, मेन डॉट जीएस, मॉड्यूल डॉट जीएस, कास्टिंग डॉट जीएस, सारी जीएस फाइल उठा के हम उस पर ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी कि जो तीन फाइल आपको नजर आ रही है, तीन फाइल के बदले आपको फोल्डर नजर आएगा, फोल्डर में सारी फाइल्स होंगी आपकी, जो कि आपकी किसकी फाइल होंगी, मेन डॉट जीएस, जीएस की फाइल होंगी, उसका फोल्डर का नाम होता है डिस्क। अच्छा कुछ होती कन्वेंशंस, ठीक है, कन्वेंशंस क्या होती है आपकी कि आपको जो ना उस पर काम करना पड़ता है रूल्स के ऊपर। अब आप जैसे कि आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं आप, तो आप नेम के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, आप वेरिएबल के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि कन्वेंशन है, कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, फंक्शन के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो इन कन्वेंशन का हमें ख्याल रखना पड़ता है, जैसे जैसे हम इस फील्ड में आगे चलते जाएंगे आपको चीजों का पता चलता रहेगा, ठीक है ये कन्वेंशन है, ये इस तरह काम करना है, इस तरीके से हमें काम करना होता है, ठीक है जी। जैसे कि अगर आप ये जो साइमा के प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं या भैरे टाउन के प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, आप देखिए सब घर जैसे होते हैं सारे के सारे, कोई भी घर डिफरेंट नहीं होता है इनमें, सारों का स्ट्रक्चर सेम होता है, कलर सेम होता है। या अगर आप बैंक्स को देखें तो बैंक्स में सेम चीजें होती हैं, सेम फर्नीचर होगा, सेम उनका जो है बोर्ड होगा, सेम अंदर का स्ट्रक्चर सेम होगा, इंटीरियर सेम होगा अंदर का, क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज डिसाइड होती है, उनका ब्लू प्रिंट मौजूद होता है। इस तरह क्लासेस में भी हम यही काम कर रहे होते हैं, हमारे पास ब्लू प्रिंट होता है, उसी क्लासेस को फिर हम आगे यूज करते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं, यूज करते जाते हैं, वो जो है ऊप के अंदर आता है आपके पास, ठीक है। ये चीज समथिंग डिफरेंट है, इसके अंदर क्या होता है आपको कोड मेंटेन कैसे करें कि आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डे को जब जाते हैं आप दो एप्लीकेशन बना रहे हैं एट अ टाइम आप, ठीक है, एक आप फूड पांडा की बना रहे हो और आप एक के मार्ट की बना रहे हो, ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं लिंक तो बन रहा है तो फूड से रिलेटेड ना, तो आप वो दोनों एप्लीकेशन से कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। आप वो बोलेंगे मैं यहाँ से कंपोनेंट उठा लेता हूँ और मैं यहाँ लाके लगा देता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करूंगा मेरा काम चल जाएगा, यानी कि जीरो से स्क्रैच से मेरे को जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें होती है आपके पास, तो इस तरीके से जो है ना आपको क्या हो रहा है कोड मेंटेन हो रहा होता है आपके पास। अच्छा इस मॉड्यूल टाइप स्ट्रिप फाइल्स में हम कौन कौन से जो है यूज करते हैं, हम फंक्शंस कर सकते हैं, हम क्लासेस कर सकते हैं, वेरिएबल्स कर सकते हैं, ठीक है। यानी टाइप स्ट्रिप जो फाइल कंटेन करती है अपने डाटा अपने अंदर मॉड्यूल्स का, वो कौन कौन डाटा होता है, फंक्शंस होते हैं हमारे पास, क्लासेस होती है, और क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये जितनी भी फाइल्स है जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस, ये आपके पास क्लासेस हो गई, ये दूसरी फाइल्स में जो है वो क्या हो जाती है, हम इम्पोर्ट कर लेते हैं कोड को और वो उस तरह से रीयूज भी हो सकती है, ऑर्गेनाइज हो सकती है, ठीक है। अब मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, जैसे अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो एक मॉड्यूल होता है वो टाइप स्क्रिप्ट होता है। टाइप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कैसे बनता है, जैसे कि मॉड्यूल डॉट टी एस, जैसे आपने ये फाइल नजर आ रही है आपको यहाँ पे, मेन डॉट टी एस, मॉड्यूल डॉट टी एस, ये दो फाइल्स हैं, ठीक है। मेन डॉट टी एस का मतलब ये कि मेरी वो मेन फाइल जिसमें मैं इम्पोर्ट करूंगी डाटा सारा अपना, बाकी फाइल्स को एक्सपोर्ट करूंगी और यहाँ से मतलब यहाँ इम्पोर्ट करूंगी, बाकी फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगी मैं, ठीक है।
अभी मेरे पास एक फाइल बनी है, मैं इस तरह की मल्टीपल फाइल बना सकती हूँ, मैं 3, 4, 5, 6 जितनी मैं चाहूँ मैं अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकती हूँ, कोई इसकी लिमिट नहीं क्रिएट करनी, ठीक है। यानी कि वो फाइल्स होती हैं जो एक्सपोर्टेबल होती हैं। अब एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, हमारे पास मॉड्यूल के अंदर जो भी कोड होता है, ठीक है, उस कोड को हम क्या करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं किसके थ्रू, एक्सपोर्ट के थ्रू। हम एक्सपोर्टर कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर कीवर्ड यूज़ करके हम क्या करते हैं उसको एक्सपोर्टेबल बना देते हैं हम, कि अब ये फाइल जो है रेडियो को एक्सपोर्ट होने के लिए। इसी तरीके से इंपोर्टिंग में क्या होता है, हम इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, इंपोर्टेबल बनाते हैं उस फाइल को, ठीक है। याद तक क्लियर है सबको? यस मैम। कोई सवाल किसी किस्म का भी, एनी क्वेश्चन? आगे चले, ठीक है जी बेटा, किसका बता दूं? डिस्क का जो फोल्डर होता है ना आपको, जो मैंने बताया, वो बेसिकली काम क्या करते हैं, आप जब मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कराऊंगी ना आपकी अभी, तो उससे बताऊंगी डिस्क फाइल के लिए आपको TS कॉन्फ़िग में भी चेंज करना पड़ता है जाके, जैसे आप टारगेट करते हैं ना ES2022 टारगेट करते हैं आप और नोट डेस्क वगैरह चेंज करते हैं वहाँ पे, इसी तरह डिस्क का जो फोल्डर होता है ना DIR का, वो फोल्डर भी आपको क्या करना पड़ता है, अनकमिट करना पड़ता है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे जाके, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल का पर्पज क्या होता है, मॉड्यूल का पर्पज क्या होता है कि मॉड्यूल्स जो करते हैं आपको, सबसे पहले कोड ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर, पर्पज जो होता है क्या होता है, कोड ऑर्गेनाइजेशन पर्पज। अब मॉड्यूल लार्ज कोड बेस को छोटे मैनेजेबल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि चंक में डिवाइड कर देता है। हेडर एक चंक बना दिया, फोटर एक चंक बना दिया, फोटर हर पेज में ऐड कर दिया, फोटर आपने हेडर हर पेज में आपने ऐड कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे चंक्स। अब इसका फायदा क्या होता है, देखो आपके पास अगर थोड़ी भी चेंज करनी है ना, आपने चेंजेस करनी है हेडर में, तो आपको पूरी फाइल को छेड़ना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट उस कंपोनेंट में जाओगे, ठीक है, उसमें चेंजेस करोगे आप और आपका काम हो जाएगा, यानी कि बाकी कोड डिस्टर्ब नहीं होगा उससे आपका। तो यही टाइम सेव हो रहा है किसी तरीके से आपका वहाँ पे, कि बाकी कोड आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा वहाँ पे। इसी तरीके से जो है रीयूजेबिलिटी में क्या होता है, आपके पास जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसके एप्लीकेशन के, वो आप डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हो, अपनी विद इन एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो और आउट ऑफ द एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी उन्होंने भी एग्जांपल दिया आपको कि जैसे मॉड्यूल आपने बना के रख लिया है आपने, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्टेबल फाइल आपने बना के रख ली अपने पास। अब जब जब आप नए बार यूज कर रहे हो, आपने वहां डेटा उठा लिया और आपको स्क्रैच से मेहनत से बच गया, विदाउट स्क्रैच काम करते हुए आपने जस्ट छोटा बहुत कस्टमाइज किया और उस पर काम कर लिया, ठीक है। अच्छा, मेंटेनेबिलिटी थर्ड पार्ट है इसका, जो पर्पज मेन पर्पज है इसका मॉड्यूल का, मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी जगह एरर आता है आपका, या आपको कोई चीज चेंज करनी है, वेरिएबल चेंज करना है, या आपने फंक्शंस के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, या आपने कोई भी चीज करनी है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली चंक में जाके जो है वो आप उसको एडिट कर देते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है आपको बाकी कोड इफेक्ट नहीं होता, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब नेम स्पेस मैनेजमेंट का फायदा होता है, नेम स्पेस मैनेजमेंट क्या होती है इसके अंदर, जैसे आपके पास जो है मॉड्यूल अपना एक स्कोप प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, अब उसका स्कोप क्या है, .tsl की फाइल्स बनेगी उसकी बहुत सारी ना, अब वो क्या करता है आपको नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, जैसे कि अब मैंने बनाया header.ts, footer.ts, content.ts, home.ts, इस तरह के मैंने क्या किया सारे अलग अलग नाम बना दिए, तो अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे मेरे नाम। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ, बल्कि मैं आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ चीज़।
क्योंकि आप खाना वाना खा के आते हैं ना आराम से लेट में उठ के आते हैं, वो तो बेचारे सुबह सुबह ऐसे उठ जाते हैं। ठीक है, तो जितना अभी तक हमने पढ़ा इसमें से कुछ सवाल बता देंगे आप लोग। आपने जितना पढ़ा अभी कोई सवाल है किसी का? ना यस ना नो। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बताने के लिए? क्या समझ आ गया है? नहीं आया तो यस तो बोलेंगे हमसे। मैं बैठी रहूँ क्या आपके इंतजार में? यस के इंतजार में क्या? अच्छा देखिए, अब यहाँ पे ना मेरे पास एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आप लोग कहते हैं तो हम लोग एक बिल्कुल न्यू एग्जाम्पल जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, या अगर आप कहते हो किसी एग्जाम्पल को मैं आपको समझा सकती हूँ। पहले इसको कंटिन्यू कर लें, इसके बाद एक न्यू बना लें। न्यू बना लें हम लोग? ठीक है, हम लोग न्यू बना लेते हैं। और बोले हम बस जिनमें तो नहीं आ गया दूसरा ही। दुआ सुन के दोबारा से क्या हुआ? खुला क्या? अभी तक करंट नहीं आएगा उसमें? नहीं खुला वुला कहीं और से लगा लो। कहाँ से लगाओ? है ही नहीं लगाने, वो उधर से लगे, वो लगाएंगे खड़े हुए। वो भी बंद है। आगे से हो गया हूँ क्या? एक सेकंड रुकिएगा, नहीं पूरा हो गया। हम आपने भी ये करना है कि आपने फाइल बनाने स्क्रैच से। ठीक है, अब उस फाइल से पहले हम क्या करेंगे कि अपने सारे डिपेंडेंसीज जो है वो क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि क्या क्या इंस्टॉल करना है मुझे। जी तो सबसे पहले क्या इंस्टॉल करूँ मैं? TSC हाइफ़न हाइफ़न सही है। ठीक है, अब क्या करूँ? NPM क्या करूँ? आवाज नहीं आ रही। NPM अच्छा और क्या है? NPM I नोट आगे हटा दू क्या लिखू मैं? टाइप एस भी आएगा? क्या भी आएगा? स्लैश स्लैश आ गया। और डी कैपिटल सही है? सही लेटर लगाया हुई थी लोगों ने तो। चलो ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा? होगी सारी फाइल क्रिएट्स। ठीक है, इसको बंद करते हैं हम यहाँ से। और हम यहाँ पे अपनी ना कुछ फाइल बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली फाइल जो मैं यहाँ बना रही हूँ डॉट किट इग्नोर के बनाती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। आप लोग भी जो है लाजमी इसको जो है बना लिया करें। ठीक है, इसमें हमें जब क्या रीजन होता है इसका? गिट पे जो जो नहीं ऐड करना, जो जो गिट पे ऐड नहीं करना उसको यहाँ से, जो फाइल हमें नहीं दिखानी, जो फाइल हमें इग्नोर करनी है वो फाइल हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, जो हमें गिट पे सेट ट्रैक नहीं करना फाइल चली गई हमारी, अगर हम उसको अपलोड भी करेंगे गिटहब के ऊपर तो ये फाइल हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी वहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ फाइल क्रिएट कर रहे हैं अपनी मेन डॉट ts की फाइल मैंने क्रिएट कर ली यहाँ पे। ठीक है, और कौन सी फाइल क्रिएट कर रही है यहाँ पे? माई मॉड्यूल कर लू, माई मॉड्यूल डॉट ts की फाइलें क्रिएट कर ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया।
तो सही है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि हम क्या क्या यूज करते हैं, फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, हम और क्या यूज कर सकते हैं, हम क्लासेस कर सकते हैं, इसके अलावा हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं। जब आप लोग बनाएंगे बैठ के तो आप लोग लूप्स यूज करेंगे, आप लोग जो है वेरिएबल यूज करना आगे देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट की फाइल रेडी करते हैं यहाँ पे, सही है। तो एक्सपोर्ट की फाइल के लिए अब हमने क्या करा है, यहाँ पे फंक्शन बना लिए हमने। फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन लिखा हमने, सिंटेक्स आया फंक्शन का, ठीक है। ये सिंटेक्स है फंक्शन का, सही है। अब नेम की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन है बना रही हूँ ऐड, ये मुझे ऐड करना है। अच्छा पैरम्स यानी पैरामीटर क्यों दिए जाते हैं, पैरामीटर यहाँ पे ताकि वैल्यू एक्सेप्ट करे, ताकि कोई भी वैल्यू टाइप देने पड़ेंगे डेटा टाइप वैल्यू के ऊपर कोई भी परफॉर्मेंस पैरामीटर हम देते जब हमें रिटर्न चाहिए होता है, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्टली होता है जब हमें कभी रिटर्न भी चाहिए होता है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमको पैरामीटर दें जो वो हमें परफॉर्म करके दिखाए, यानी एक ऐसा फंक्शन बनाया और हमने उसको ये टास्क दे दिया, टास्क हम दे रहे पैरामीटर की शक्ल में और फिर हम उसको आगे आर्ग्यूमेंट दे रहे कि वह करके दिखा हमें। तो हमने यहाँ पैरामीटर्स में क्या ले लिया, अब चूंकि मैं ऐड का फंक्शन करूँ तो मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर्स चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपल ए ले लेती हूँ, यहाँ मैं कर देती नंबर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नो मैम, ठीक है। और सेपरेट करना हो तो मैं कॉमा यूज कर सकती हूँ, यस, ठीक है। और दूसरा मैं बी ले लूँ और इसको भी नंबर बोल दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो, ठीक है। इसके बाद मैंने चूंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट, तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर कर दिया। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे भी एरर आ रहा है मेरे पास, तो बता सकते हैं कि एरर क्यों आ रहा है अभी यहाँ पे, कुछ रिटर्न नहीं किया क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी चीज रिटर्न नहीं की है, तो अभी क्या दे रहे हैं, हमें नंबर दे रहे हैं। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला ये होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अगर यहाँ पर उनका एरर आएगा तो बोलेंगे हमारा कोड है ही गलत, तब तो हम काम ही नहीं करेंगे आगे ना, फौरन लैपटॉप लेके या तो बंद कर देंगे, परेशान घूमते रहेंगे। लेकिन देखिए आपके एरर आते रहते हैं, जब तक आप कंप्लीट नहीं करते ना कोड तब तक एरर आते रहते हैं आपके। पहला भी एकदम कोड कम्प्लीट कर लेंगे फिर भी एरर आए तो फिर आप उसको होवर करके देखें कि वो क्या कह रहा है, और एरर को डील करने सबसे जो आसान तरीका, जो बेसिक तरीका वो ये इसके ऊपर होवर करें और वो आपको बता देगा यहाँ पे ये इशू है। देखें अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ वॉइड लिखूंगी तो एरर आएगा मेरे पास, नो एरर नहीं आया, क्यों एरर नहीं आया पास यहाँ पे, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि वॉइड का मतलब क्या होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं है, ठीक है। यानी कि एक होता है ना बहुत ढीट लोग होते हैं जिसमें कोई असर ही नहीं होता, तो वॉइड है बेसिकली, ढीट को आप इंग्लिश में वॉइड कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को, तो इसमें कोई रिटर्न आएगा ही, उसकी जो है वॉइड है, ठीक है। अब यहाँ नंबर आता है हम सिंपली रिटर्न करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न में अगर करें तो ए प्लस बी, ठीक हो गया, सही, कोई इशू तो नहीं है इसमें, ठीक है। ये हमने बनाया एक फंक्शन हम और बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस फंक्शन का हम नाम दे देते हैं सबट्रैक्ट, कॉल करेंगे ना, सबट्रैक्ट हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा, सेव इसको सब चीजें रहने देते हैं और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर कर देते हैं, पैरामीटर टाइप, कंट्रोल डी, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे भी फाइल क्रिएट की है, ठीक है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं हमें लगाई, लेकिन अब हमें क्या करना है कि उसको पोर्टेबल बनाना है हमने, तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोर्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, एक्सपोर्टर कीवर्ड यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो एक्सपोर्टर कीवर्ड में कहाँ पे यूज करूँ, फंक्शन से पहले मैं करूँ, अच्छा फंक्शन से पहले करूंगी मैं यहाँ पे एक एक्सपोर्ट में यहाँ लिख दूँ, ठीक है, सही है ना, हो गया मैंने एक्सपोर्टेबल बन दी फाइल, एक फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ, हाँ एक फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ, क्या देना पड़ेगा, सिर्फ एक फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ, ये वाली फाइल एक्सपोर्टेबल बन गई, हाँ कर सकते हैं ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्टेबल बन गई ना, रेडी होगी ना फाइल, अब कितने लोग कह रेडी हो गई फाइल, सिर्फ एक फंक्शन एक्सपोर्ट करेगा, बाकी एक्सपोर्टेबल तो है, क्या कह रहे, ये कह रहे हैं कि ये बेसिक इसी फंक्शन को एक्सपोर्ट करेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है आपने,
अभी जब हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है तो एक फंक्शन एक्सपोर्ट करेगा ये, क्योंकि हमारे पास हमने कितने फंक्शन बनाए यहाँ पे, दो फंक्शन बनाए, तो हमने यहाँ क्या लिखना है, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को एक्सपोर्ट करेगा, तो ये एक तरीका है कि हम इसको उसका एक्सपोर्टर बनाते हैं फाइल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने मेन वाली फाइल में, टॉप की ऊपर नहीं होगा, देखिए जावास्क्रिप्ट का काम क्या है कि लाइन बाय लाइन पढ़ती है, अगर हम टॉप पे एक चीज दे देंगे और नीचे वो आएगी तो उसमें चीज मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ अगर हम नीचे देते हैं सबसे लास्ट में देते हैं तो फिर वो करके बोले, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के भी तरीके दो होते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हम पहला तरीका देखेंगे, पहले तरीके से किस तरह एक्सपोर्टेबल करते हैं, एक्सपोर्ट करने फाइल। अब हम आगे मेन डॉट टी एस की फाइल, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, टॉप पे इम्पोर्ट करेंगे। अच्छा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते फर्स्ट लाइन में, लेकिन यहाँ फर्स्ट लाइन में इम्पोर्ट लिख रहे हैं, क्यों, ताकि हम नेक्स्ट लाइन में उसको यूज कर सकें। बिल्कुल, अभी वही जवाब है जो मेरा सवाल है थोड़ी देर पहले, वही जवाब है कि जावास्क्रिप्ट की टाइप स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो लाइन वन से चलना शुरू होगी, तो लाइन वन के पास चल जाएगा, ठीक है, मैंने यही जो है डिपेंडेंसी क्या करवाना है, इम्पोर्ट करवाना है अपने पास। अच्छा इसके अंदर एक और चीज भी है कि आप याद रखिएगा कि जो आप किसी फाइल से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होती है, आपकी डिपेंडेंसीज भी इम्पोर्ट होती है, ठीक है। अब मैं अगर चौक की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँ, या मैं आपके पास इंपॉर्डर की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँ, या मैं आपके एक्सपर्ट कोई थर्ड डिपेंडेंसी इंस्टॉल करती हूँ, तो उन सबको मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये भी मैंने सारी इंस्टॉल की हुई है। अगर आप इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो आप बेशक कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, डिपेंडेंसी कुछ भी आप जो है इंस्टॉल करें, उसको कोई लेना देना नहीं है उस चीज से, ठीक है। तो जो भी आप बाहर की डिपेंडेंसी आप डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे या